चलो, तो इसका देखो नाम है चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट शेयर। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपनी अगर फ्री में शेयर्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को तो वो हो गया बोनस शेयर, और कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर दे रही है कि आप सस्ते में भी खरीद सकते हो तो वो हो गया राइट शेयर्स। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। अब बोनस शेयर की जो अकाउंटिंग थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सेबी और कंपनीज एक्ट के रूल्स थोड़े से हैं कि डिविडेंड के बदले में आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, बाकी आप अपने फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या CRR से चाहो तो दे सकते हो। बाकी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स जो होंगे उन्हीं को बोनस मिलेगा, और कंपनी AOA में ऑथोराइज्ड है शेयर्स देने के लिए, बाकी डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकती। तो हमसे तो वो अकाउंटिंग करवाएगा, तो हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो अगर फाइनल कॉल ड्यू नहीं है तो हम पहले फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे ताकि हमारे शेयर्स फुल्ली पेड हो जाएं, पहला स्टेप। उसके बाद हम सबसे पहले बोनस इशू को सैंक्शन करेंगे। उसमें रैंक याद रखनी है, सबसे पहले CRR को यूज़, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़, फिर PNL या जनरल रिजर्व को यूज़, टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि लिस्टेड कंपनियों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रियलाइज होना ज़रूरी है, ये याद रखना है। थ्योरेटिकल पॉइंट भी, ट्रू फॉल्स के लिए भी। बाकी अनलिस्टेड कंपनी है तो कैसा भी हो सिक्योरिटी प्रीमियम चल जाएगा। और कैश में रियलाइज़ किसे कहते हैं वो आप जानते हो, जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तब वो प्रीमियम, इसका मतलब कैश में मिला होता है। वेंडर वेंडर को शेयर्स इशू करे उसका प्रीमियम कैश में नहीं मिला था। तो बस, तो बोनस शेयर की अकाउंटिंग तो इतनी सी है, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी लेते नहीं है, ये आपको बता ही दिया था, तो कहानी ख़त्म। अच्छा, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स में तो अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं, एक ही एंट्री याद करें नॉर्मल शेयर्स इशू की। लेकिन हाँ, इसमें हमको कॉन्सेप्चुअल बातें थी कि राइट्स के आने से पहले वाला मार्केट प्राइस होता है कम राइट प्राइस, राइट्स के आने के बाद वाला प्राइस होता है एक्स राइट प्राइस। दोनों के डिफरेंस को कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट। तो अब वो निकालने का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, उसके लिए हम एक्स राइट प्राइस निकालते हैं पहले, जिसका फॉर्मूला होता है कि हमारे पास कितने शेयर्स थे इनटू कितना पहले प्राइस था, प्लस नए राइट शेयर्स कितने हैं इनटू उनका प्राइस कितना था, होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। सिंपल कॉमन सेंस, और हमने कर भी लिया था। और वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए कहेगा तो कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। अकाउंटिंग की बात करें तो जर्नल एंट्री देखो सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें हम राइट प्राइस लिखते हैं जितने रुपए में शेयर इशू हुआ। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, इसमें हम जो भी हमारा शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू वो लिखते हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए। तो इसका एक ही क्वेश्चन बुक में भी दे रखा है, वो हमने वैसे एग्जांपल में भी कर लिया था। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे क्वेश्चन में वो वैल्यू ऑफ राइट निकलवाए, एंट्री बोले तो कर लें। बाकी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोनस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट है। बोनस शेयर इशू करेंगे तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है, रिजर्व कम हो जाता है। बाकी राइट शेयर इशू करते हैं तो कह रहे हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है IPO के मुकाबले में, और इमेज एनहेंसमेंट हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद हाँ, अच्छा राइट्स इशू के डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, तो वो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए एग्जाम के लिए, वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें बेसिकली ये होती है स्टोरी कि कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पैसे वापस लौटाने हैं, ठीक है। अब कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स वापस लौटाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो हमने फनी वे में याद करा था। प्रोसीजर ये है कि वैसे तो खैर प्रेफरेंस शेयर्स को अगर रिडीम करना हो तो मैंने बताया था आप अपने रिजर्व से कर सकते हो, नए शेयर्स इशू कर सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन कहानी इसमें ये थी, और फिर एक सेक्शन 55 भी याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले हम सुबह अपनी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं अगर कोई है तो पहली एंट्री ऑप्शनल है इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इससे हमारे पैसों का जुगाड़ हो जाता है। अगर पैसे कम पड़ गए तो फिर हम और एक और एंट्री कर सकते हैं नए शेयर्स इशू करने की। अब ये ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो नए शेयर्स इशू करे, इसमें टू शेयर कैपिटल पर टू बना हुआ है क्योंकि आगे काम आएगा। फिर उसके बाद जब हमें 10 बजे 10:30 बजे मैंने कहा था ऑफिस बुलाने की एंट्री करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट फेस वैल्यू,
अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर अगली एंट्री में 11 बजे उनको चेक देने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्योंकि एक नुकसान था उसको पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे, तो पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन एक कंपलसरी एंट्री थी कि हमें एक फ्री रिजर्व में से सीआरआर में पैसा ट्रांसफ़र करना है, और वो कितना करना है, 1-2। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। बाकी सीआरआर को हम बोनस शेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, ये हमने अभी देख ही लिया था बोनस वाले चैप्टर के अंदर। बस तो कितना सा कॉन्सेप्ट है एंट्री का, पहले इन्वेस्टमेंट बेच दो, नए शेयर्स इशू कर दो अगर क्वेश्चन बोले तो। एंट्री 3 और 4 कंपलसरी हैं, वो करनी ही है। बाकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर है तो पीएनएल से राइट ऑफ करनी पड़ेगी, 5वीं एंट्री, और 6ठी भी कंपलसरी है। बस तो ये हो गया। अच्छा, फिर था एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 55 का, इसमें दोनों इलस्ट्रेशंस करने हैं जो मैंने मार्क करवाए थे। सेक्शन 55 के तहत हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, उसमें प्रोसीजर ये था कि आपके पास जो भी रिजर्व बचे हैं आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम, तो वो देख लो, मान लो हमारे पास 80 रुपये बचे हैं और 200 रुपये हमें प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने में चाहिए, तो इसका मतलब हम 120 रुपये के शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करने हैं, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फेस वैल्यू से। बस ये ट्विस्ट है। दूसरी तरफ अगर सेक्शन 55 नहीं लगता, नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा है टू प्रोवाइड फंड, जैसे इलस्ट्रेशन 5, ये मार्क कर लेना, तो हम अपना 220 रुपये हमें चाहिए थे टोटल, उसमें से 45 रुपये इन्वेस्टमेंट बेच के आ गए, 25 रुपये बैंक में हमारे हैं, तो हमें 150 रुपये की ज़रूरत है, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, ये याद रखना है ना। तो बस छोटा सा ये डिफरेंस था, अगर आपको याद होगा तो बताया था। बाकी सेक्शन 52 कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ICICI का मैंने आपको बताया था कि वो कह रहा है कि भाई ज़्यादातर कंपनियां जो सेक्शन 133 वाली और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं उनके लिए अलाउ नहीं है, और हम मान के चलते हैं ICICI कहते हैं कि भाई सारी कंपनियां यही वाली है, तो हम इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम मानते हैं कि यूज़ नहीं करना। बस तो ये है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल इसी तरह जो अगला चैप्टर है लास्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें हमें डिबेंचरों को रिडीम करने हैं, डिबेंचर वाले को पैसे वापस लौटाने, तो इसलिए काफ़ी हद तक सेम है कहानी कि जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो एक साथ अगर रिडीम करा तो लमसम, टुकड़ों में रिडीम करा तो इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट है नहीं तो छोड़ दो, और या फिर हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लमसम मतलब एक साथ, इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में, कन्वर्जन मतलब शेयर में कन्वर्ट करना। लेकिन इसमें 2 रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब वो 2 रूल्स क्या हैं, कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई अगर आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो आपको DRR आपके पास होना चाहिए कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो ध्यान रखना है। और जिस भी साल आपको रिडम्पशन करना है उस साल आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो है 15% ऑफ फेस वैल्यू, DRRI। बाकी एक्सेप्शंस ये हैं DRR के कि भाई जो ये सब कंपनियां हैं इनको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी DRRI जो है वो हम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, वो अपनी अजम्पशन लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इन कंपनियों के लिए DRR तो अवश्य नहीं बनाना, ये तो तय ही है। अच्छा, फिर हमने इसके कॉन्सेप्ट करे थे अकाउंटिंग के, वो एक बार देख लो। तो DRR बनाने के लिए तो लॉजिकल एंट्री PNL डेबिट टू DRR, प्रॉफिट कम हो गया DRR क्रिएट हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री DRRI डेबिट टू बैंक। अब इस इन्वेस्टमेंट पर अगर इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, और उस इंटरेस्ट को, उस इनकम को हम PNL में डाल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन DRRI टू PNL। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिस दिन रिडम्पशन होगा वो स्टोरी थी कि सबसे पहले सुबह 5 बजे उठ के DRRI बेचना है, इन्वेस्टमेंट बेच दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। फिर 10:30 बजे वही ऑफिस बुलाना, सेम एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर डिवेंचर होल्डर के मुंह पे चेक मार दिया 11 बजे, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। फिर 5 बजे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था अगर उसको PNL से राइट ऑफ कर दिया। लेकिन हाँ, इसमें 6 बजे इंपॉर्टेंट एंट्री थी कि DRR जो है उसको वापस से ट्रांसफ़र कहाँ करना है, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो बस ये इसके कॉन्सेप्ट थे, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था। कन्वर्जन में आपको कुछ नहीं करना, कन्वर्जन में तो सिर्फ सिंपली एक एंट्री करनी है, डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर है तो,
टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसमें बस इलस्ट्रेशन मार्क कर लो, जो चैप्टर 11 का यूनिट 4 है बोनस शेयर्स वाला, है ना, उसमें इलस्ट्रेशन 3 और 5 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 3, 6, तो इसमें पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला जो है चैप्टर 11 यूनिट 5, उसमें इलस्ट्रेशन है 5, 9 और 10 और बस एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 1, है ना, ये हमने कर भी रखे सारे क्वेश्चन। और लास्ट यूनिट जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है चैप्टर 11 यूनिट 6, उसमें इलस्ट्रेशन 1, 2 और 4, इसमें आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 और 3, इसमें कन्वर्जन भी कवर हो जाएगा और वो पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, तो इसमें पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा।